फिर आपको भी एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक? जी, सोच लीजिए कि रंगमंच पर रामलीला चल रही है और आप जैसे श्री राम चाहेंगे सीता करेगी। इस स्कूल में युवराज 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे। ये स्कूल 1907 में बना था। इसका आर्किटेक्चर उस जमाने में बड़ा मॉडर्न माना जाता था। इन 1921 यहाँ ऑल इंडिया कबड्डी कॉम्पिटिशन हुआ था। 1945 में यहाँ पर ऑल एशिया हॉकी टूर्नामेंट करवाए गए थे। 1960 में यहाँ पर साहित्य सम्मेलन हुआ था। ये जब जाहिर है कि ऐसे आइए मैं आपको 3rd स्टैंडर्ड का एक जग जाहिर किस्सा सुनाऊं। हम लोग टीचर को मना कर स्कूल बंक करके यहाँ पर आके नहाते थे नंगे। दीवान साहब, क्या ये सच है? दीवान साहब ही तो हमारे स्विमिंग के कोच थे। इन्होंने हमें फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया था। कह दो हाँ बापू, वरना मैं बोल दूंगा कि आप भी हमारे साथ नहाते थे नंगे। वो भी क्या दिन थे। बेटर दिन आज है। आइए दीवान साहब, राजकुमारी को हम हमारा छलांग पॉइंट दिखाते। नहीं, 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 नहीं। अरे वहाँ कहाँ देख रही हो स्वीटी, देखने की चीज तो उधर है। क्या चाहिए आपको? What is happening, चिराग? वहां समीरा कुछ रिपोर्ट नहीं कर पा रही, यहाँ तुम खामोश बैठे हो। माना कि भाई साहब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेडिकली बच गए, पर राजकुमारी को स्टेशन रिसीव करने जाना और अब एस्टेट घुमाना, नो, ये भाई साहब नहीं हो सकते। कुछ तो गलत है सर। बहुत गलत। How are you doing, भाभी? Welcome to ससुराल। Hi अजय भैया, how are you? बापू, ये पूछ क्या? Hello बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो? Hello। वैसे भाई साहब को क्या हो गया है? आज आपको एस्टेट घुमा रहे हैं। How romantic? इन्होंने इस क्लब में कितने पोलो टूर्नामेंट्स जीते हैं? Hey, wait a minute, भाभी, आपको वो टूर्नामेंट तो याद ही होगा जब भाई साहब सगाई वाले दिन खेलने आए थे। Anyways, I'll leave the two lovebirds alone. Okay, भाई साहब, enjoy. Okay. और यहाँ पर हम बापू, छोटू युवराज माचिस के तीरे लगा गयो। लुखो सालो, और दिखाओ दोस्त प्लेसेस। उस दिन आपने आपके सारे दोस्तों को बुलाया था मुझसे मिलने। आप सब हंसी मजाक कर रहे थे और उस हंसी मजाक में मैंने कह दिया कि आप बिना मूंछों के बैठे लगोगे। पता नहीं आप क्यों नाराज हुए, मुझे वहां अकेला छोड़ के यहाँ आ गए। नहीं नहीं, रोना नहीं, वो एक्चुअली हमारे प्यार करने का अंदाज था। प्यार करते हो? जी, बड़े ही जोरों से, लेकिन हम दिखा नहीं पाते। एक रोमांटिक वॉक के लिए चले। राम लक्ष्मण, अठे पधारो, क्विकली, हवा को चीरते हुए। ओहो, टर्मिनेटर। डायरी, पेन, कहां से हैं आप लोग? गुजरात। गांडो छोकरो, हमना यहां बैसो।
और फरी जाओ। आगे बढ़ने से पहले सारी शिकायतें एक साथ लिखवा दीजिए। मूछ, शर्ट, टाई, पैंट, अंडरवेयर, बनियान कुछ मत छोड़िए। धज्जियां उड़ा दीजिए, लेकिन प्यार नहीं करता ये मत लिखवाइए। वाह, 9 बच्चों के बाप लगते हो। अब 9 बच्चों के बाप लगते हो। सॉरी आपको इंतजार कराया। मूछ, रोमांस दीवान साहब, रोमांस, यंग इंडिया का रोमांस कहां समझेंगे आप। राजकुमारी को हमारी मूछें नहीं पसंद थी, मूछ मुंडे हो गए। राजकुमारी, नाक नहीं पसंद, नाक कटवा दें आपके लिए। क्या कहते हो दीवान साहब? नाक तो आप कभी भी किसी की भी कटवा सकते हैं युवराज। बेशक। अबाउट टर्न। ये वो मंदिर है जहां युवराज की पहली वर्षगांठ बनाई गई थी। इस मंदिर की स्थापना 1953 में हुई थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी। बहुत सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आए थे। मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। एक प्रवेश द्वार से लेकर दूसरे प्रवेश द्वार तक फूलों की वर्षा हो रही थी। ए, तुम इधर आओ। मैं कहता हूं इधर आओ। बापू बंद करो ये प्रवचन। आप जगह की ज्योग्राफी स्टार्ट करते हो, इनकी कोई ना कोई हिस्ट्री निकल आती है और मुझे फिर ये डायरी निकालनी पड़ती है। तुम राजकुमारी से वही बोलोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा, समझे तुम? है? अच्छा बापू, आप मुझे अपने लेडीज के अनुभव से ये बताओ कि मैं इस लेडी को कैसे लुभाऊं। मैं आई एम वेटिंग बापू। टेलिंग बापू, कन्याओं में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, सिर्फ नाम के बापू हो, वर्जन बापू। दुनिया को बोल दूं वर्जन बापू। आपने ये दियों की सजावट पहले नहीं देखी होगी, आजकल हम हर शाम करने लगे हैं। इन्हीं दियों की रोशनी में बड़े महाराज शायरी किया करते थे। यहाँ वो महारानी साहिबा के साथ क्वालिटी टाइम बिताया करते थे। ओह, हाउ स्वीट। जी बापू। क्या है बापू? यहाँ खुले में क्वालिटी टाइम, पैलेस में कमरे कम पड़ते थे। चुप करो। लेकिन बापू, उस रात वहां खास मैंने आपके लिए स्पेशल बारबेक्यू अरेंज किया था। पूरे 3 घंटे लगे थे आपकी वो फेवरेट शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होने में। एंड ओनली बिकॉज हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि उस दिन हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, सिर्फ दिल की बातें होंगी, प्यार भरी। और आपने, मैंने तुम्हें बाहों में लिया तो क्या गुनाह किया? और क्या होता है प्यार, यही कहा था ना आपने। ना फ्यूचर डिस्कस हुआ, ना दिल की जज्बात। एक लड़की क्या चाहती है, काश आप समझ सकते। वो हमारी आखिरी लड़ाई थी और आखिरी मुलाकात भी। युवराज, एक जगह नहीं छोड़ी, हर जगह लगे पड़े हो, क्वालिटी टाइम विदाउट शादी के। आज कंफर्म होगो युवराज लुक्खो है। मैं ये ले लूंगी, पैक कर दीजिए। अरे वाह वाह भाई जी, ये यूवी के वीक डाइजेशन की वजह से घास फूस खाना पड़ता है, उसके ऊपर से यूवी के लिए 25,000 झूठ बोलो। जैसे यूवी कोमा में से उठेंगे मैं उन पे फुल स्टॉप लगाऊंगा और मैं कहूंगा, और मेरा 25,000 रुपए का चेक दे यूवी फॉर उपहार फाउंडेशन। कम इन। आप ये सब क्या खा रहे हैं? वो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, डॉक्टर ने मुझे बॉय फूड खाने पे मजबूर किया है, लेकिन कभी कभी मैं अपनी मर्जी का कुछ भी खा लेता हूँ। पर आपका वीक डाइजेशन। राजकुमारी, इट्स ऑल इन द माइंड। ये लीजिए, पकड़िए। कहाँ जा रहे हो? गला जल रहा है, जल पीने जा रहे हैं। ये लो, मेरे पास पानी है। ऐसे नहीं, बोतल से बेबियों की तरह, बच्चों के साथ बच्चों की तरह
जिंदगी से जुड़कर। बालक, अब मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं, आ जाओ, ये लो, पियो 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 पियो, बस अब मेरी बात। आज मार्केट में मैंने तेरे लिए ये सिल्वर ब्रेसलेट ली थी जैसे हम स्कूल में पहनते थे, दे तेरा हाथ दे। हेलो, संभाल के जाना चौधरी, और युवराज को भोजन प्यार से कराना। ठीक है श्रीमान। जल वाले, हे, ये कोई सोने का वक्त है? सो कौन रहे हो तो, सोच रहे हो तो, सब लोग इतो टाइट कपड़ों पहने हैं। बापू, कदी कदी आइया होयो कोई सुसु। hey! अरे कंफर्म होगो, हुकुम कंफर्म होगो। मुझे हर बात में मजाक पसंद नहीं है, टांग नीचे करो, खड़े हो जाओ। जी शैतान, जय हवान, दीवान। कल बहनों के घर इतना बड़ा हंगामा कर दिया, हाँ? गनीमत है जो कुछ भी हुआ घर की चार दीवारी में हुआ। आज का फंक्शन बहनों के घर के पास वाले गार्डन में, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, समझे? बापू, बहनों की माँ रानी नहीं थी? None of your business. वो तुम्हारी बहनें नहीं है। हाँ संजय, बोलो। ठीक है, राजकुमारी मैथिली युवराज के पर्सनल स्वीट में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ध्यान रहे, राजकुमारी भी तुम्हारी नहीं है। बापू तो बावलो हो गयो, टोटली मैड। फॉर लेटिंग। थारी ब्यूटीफुल नारी, इसके लिए थोड़ा सा वक्त है। एक और सीक्रेट सीक्रेट रास्ता जो एक दिल से दूसरे दिल तक जाता है। हल्दीराम से खाना लाई हूँ, पार्टी में डॉक्टर्स होंगे, खाने नहीं देंगे। चलो जल्दी खा लो।
आप खास इसलिए आई हैं? सॉरी भी कहना था उन सारी शिकायतों के लिए जो मैंने आपसे लिखवाई। सच्चा प्यार क्या होता है मैंने आज जाना। मेरी खातिर युवराज अपनी बहनों के घर गए उन्हें मनाने। अगर ये उनका मेरे लिए प्यार नहीं तो इसे क्या कहते हैं? आज से आपके कोरोनेशन के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। उनमें चार चांद लगाने के लिए मुझसे अच्छी कोई होस्टेस मिली तो कहना। माफ कीजिए राजकुमारी जी, आपको युवराज को हमने मेहमानों के आने से पहले बुला लिया। दरअसल हमें युवराज के साथ आज का प्रोग्राम डिस्कस करना था। नहीं नहीं दीवान साहब, मुझे खुद चेक करना था अगर बैंक्वेट एरिया में फूलों का अरेंजमेंट वैसे ही है जैसे हमने पहले तय किया था। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यस बापू। ये लो। ओ, चोपड़ी। महाराजों की हिस्ट्री। आज का तुम्हारा ये भाषण शुद्ध हिंदी में होगा। यस, रट लो। आज का प्रोटोकॉल, पहले तुम्हारा भाषण, उसके बाद शास्त्रीय संगीत, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और फिर आखिर में लंच होगा। लंच बाकी तुम्हारे लिए बॉइल्ड। नो। यस। वाली मैथिली होती तो नाम की स्पेलिंग जरूर गलत लिखती। जी जी, मैं स्कूल जा रही हूँ फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। नहीं, आज हम घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। युवराज के फंक्शन की वजह से हम क्यों घर में कैद रहे? नो आर्गुमेंट्स राधिका, मैं नहीं चाहती कि कोई ये तक सोचे कि हम उनकी खुशियों में किसी तरह से भी शामिल हैं। चलिए मेरी हेल्प कर राधिका। नहीं, मैं वापस से जाती हूँ। आज हमारी ये फुटबॉल वाली बहन खुद आकर आपके साथ ये डेकोरेशन बनाएगी। जी बिल्कुल, अगर इस फंक्शन में मैंने इनको आपका असिस्टेंट नहीं बना दिया तो मेरा भी नाम प्रेम, प्रेम से जो आप नाम लिख रही हैं वो नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मैं एक महाराजा का बेटा हूँ और मैं एक एक, एक गाँव वाला बनना चाहता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली। प्लीज हेल्प। इजाजत है। फिर आपको भी एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक? जी, सोच लीजिए कि रंगमंच पर रामलीला चल रही है और आप जैसे श्री राम चाहेंगे सीता करेगी। आप सभी लोगों का आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे होने वाले महाराज अपनी मधुर ध्वनि से आप सबको लाभान्वित करेंगे। मैं महाराज से हाँ। देवियों, देवियों और सज्जनों, अब सदा की भांति वो शुद्ध हिंदी में लिखित भाषण देने का समय आ गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको उबा सकती है, सुला सकती है, भगा सकती है। इस मैदान का इतिहास रहा है कि यहां एक जमाने में पद कंदुक प्रतियोगिता यानी के फुटबॉल खेला जाता था।
तो क्यों ना हम हमारे पूर्वजों की आत्मा की तसल्ली के लिए एक बार फिर से फुटबॉल का मजा लें, why not? सॉरी सर। भाई जी भाई ओ पाजी, पद कंदुक सुन के बड़े ठंडे पे गए हो, जवानी फूस। ओए पादशाह, तुसी पंजाबी नू ललका रहे है, साडे विचो ना जवानी फूस ना खेड फूस। तुसी रहन दो। अच्छा फिर आ जाओ यारो, चक दे फटे नब दे गिल्ली, आ जाओ। ये सुबह जलंधर ते शाम नू दिल्ली, देखो किथे पेंट ना हो जाए ढिल्ली। एक और शेर, गरीबी का शेर। देवियों सज्जनों प्लेग बंद कंदूक, तब तक आप गप्पे लड़ाओ चुगली खाओ। एक्सक्यूज मी। यस, व्हाट डू यू मीन गप्पे लड़ाओ चुगली खाओ, हम भी खेलेंगे। बताओ, आइसक्रीम कहती है मुझे दांतों से चबाओ। माफ कीजिए राजकुमारी जी, फुटबॉल खेलना आपके बस की बात नहीं है, आप तो बस किचन में सब्जी काटते हुए अच्छी लगती हैं। कट 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 कट। ए, व्हाट नॉनसेंस, हम भी खेल सकते हैं। ओ परजाई जी, की नवेली दुल्हन की तरह चुपचाप बैठी है, सिर्फ रोटियां पकानी है कि कुछ और भी करके दिखाना है इन्हें? ओए कुड़िए, तू एक सिकनी नो चैलेंज कर दी है। बहुत बेली रोटियां और बहुत कर दी सफाई ऑल डे, बस ओपन द डोर क्लोज द डोर, ओपन द डोर क्लोज द डोर। खेल के मैदान में कुड़िया की कर सकती है ये बताने का वक्त आ गया है। सो लेट्स रॉक कुड़ियों एंड किक सम बॉल।